बरसात के बीच बल्लारपुर शहर में मुंबई पुणे के लिए नियमित ट्रेन की मांग को लेकर विविध संगठनों के साथ जन विकास सेना के संस्थापक तथा पूर्व नगर सेवक पप्पू देशमुख ने आंदोलन किया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर पप्पू देशमुख ने क्या कहा। सीमेंट, कोयला और लोह खनिज के यातायात के लिए हर वर्ष 3 से 4 हजार करोड़ रुपयों का महसूल देने वाले चंद्रपुर बल्लारपुर से मुंबई और पुणे को जाने के लिए नियमित ट्रेन होना यह स्थानिक नागरिकों की मांग ही नहीं तो अधिकार है। पुणे या मुंबई को शिक्षा और नौकरी के लिए जाने वाले इस भाग के हजारों युवक, उनके माता पिता, साथ ही व्यवसाय निमित्त जाने वाले व्यापारी और अन्य सर्व सामान्य नागरिकों को इस अधिकार से पिछले अनेक वर्षों से वंचित रखने वाले रेलवे प्रशासन का धिक्कार करने के लिए जन विकास सेना ने भरी बरसात में आंदोलन किया। जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख इनके नेतृत्व में बल्लारशाह रेलवे स्टेशन के सामने आज सोमवार किए गए इस आंदोलन में बल्लारपुर शहर के अनेक सामाजिक, राजकीय साथ ही व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने सहभाग लेकर समर्थन दिया। इसमें भरी बरसात में भी रेलवे प्रशासन के विरोध में रोष जताते हुए जमकर नारेबाजी कर धिक्कार किया गया, जिसके बाद आंदोलनकर्ताओं ने बल्लारशाह रेलवे स्टेशन के प्रबंधक रविंद्र नंदनवार इन्हें निवेदन दिया। इस धिक्कार आंदोलन ने समस्त बल्लारपुर वासियों का ध्यान आकर्षित किया। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख ने जानकारी देते हुए क्या कहा। बल्लारशाह और चंद्रपुर स्टेशन से रेलवे को माल ढुलाई से 3 हजार से 4 हजार करोड़ का करोड़ की आय होती है और हमारे यहाँ से हमारे राजधानी में महाराष्ट्र के मुंबई में जाने के लिए और जहाँ हमारे हजारों बच्चे पढ़ते हैं ऐसे पुणे में जाने के लिए एक नियमित ट्रेन नहीं है। दूसरे 16 राज्यों को जाने के लिए यहाँ पे रोज 5-5, 10-10, 20-20, 40-40 ट्रेनें हैं। यह हमारे ऊपर अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हमने आज यहाँ पर धिक्कार आंदोलन जन विकास सेना की तरफ से किया, क्योंकि हम 4 हजार करोड़ के आसपास की आय देते हैं तो हमारे राजनीति में हमारी राजधानी मुंबई में जाने के लिए, पुणे में जाने के लिए नियमित ट्रेन देना रेलवे का कर्तव्य है और इसलिए आज इस धिक्कार आंदोलन को किया गया है। अगर रेलवे ने हमारी मांग का हमारा अधिकार है, अगर ये हमारा अधिकार में रेलवे ने हमको जल्द से जल्द नहीं दिया तो हम रेलवे को अपनी जन आंदोलन करके रेलवे की माल ढुलाई भी रोक देंगे और वक्त आने पे तीव्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी रेलवे विभाग की होगी और यही हमारा रेलवे प्रशासन का इशारा। सीटीवी के लिए प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।